जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल अलग ही मूड में है। पहले ही मैच में तेवरों से साफ लगा कि वह जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के कत्लेआम करने के मूड में है, लेकिन इसी बीच ओवर में उनका बोरिया बिस्तर भी बन गया। मेजबान कप्तान सिकंदर रजा की गेंद पर बोल्ड होने से पहले जायसवाल ने 5 गेंदों पर 2 छक्कों से सिर्फ 12 ही बनाए, लेकिन आउट होने से पहले यशस्वी ने वह कारनामा कर डाला जो T20 फॉर्मेट के इतिहास में उनसे पहले कोई भी नहीं कर सका। बता दें कि जिम्बाब्वे के लिए पारी की पहले ओवर में मेजबान कप्तान सिकंदर रजा है, उनके पहले ही गेंद में जायसवाल ने छक्का जड़ दिया। कोर में खाद जैसी बात यह रही कि यह नो बॉल हो गई और जायसवाल को फ्री हिट मिल गया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फ्री हिट जैसा गिफ्ट मिल जाए तो इससे भला कौन दोनों हाथों से नहीं भुनाएगा। जायसवाल भी पीछे नहीं रहे, लेफ्टी बल्लेबाज ने फिर से प्रचंड प्रहार लगाते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इसी के साथ ही जायसवाल ने T20 में वह कारनामा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था, या कहे कि नियति ने माने तो इसे होना ही था। रजा की पहली नो बॉल पर छक्के सहित 7 रन और फिर छक्का, मतलब एक गेंद और कुल मिलाकर 13 रन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली पारी शुरू होने की पहली गेंद पर 13 का स्कोर कभी नहीं बना था।